10 करोड़ का भैंसा। सुनने में आपको अजीब लगे लेकिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इन दिनों इस जानवर की खूब चर्चा है। मुजफ्फरनगर में चल रहे कृषि एवं पशु मेले में देश के विभिन्न राज्यों से किसान अपने उच्च नस्लों के पशुओं को लेकर यहाँ पर पहुँचने वाले इन पशुओं की भीड़ में हरियाणा से आया गोलू डो नाम का एक भैंसा भी है, जो इस मेले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और खो भी क्यों ना, क्योंकि 5 फीट 7 इंच इस गोलू डो के नाम के भैंसे की कीमत 10 करोड़ रुपए लग चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के पानीपत के रहने वाले गोलू दो के मालिक नरेंद्र सिंह यहां पर इसे लेकर पहुंचे हैं। नरेंद्र की माने तो गोलू दो की मां का नाम रानी और पिता का नाम पीसी 483 और दादा का नाम गोलू है। और गोलू दो के दादा गोलू 11 साल तक नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, जबकि गोलू दो भी 6 बार नेशनल चैंपियनशिप जीत चुका है। हाल ही में 13 मार्च को गोलू दो हरियाणा के दादरी में हुए स्टेट शो में 5 लाख रुपए का बेस्ट एनिमल ऑफ द शो का खिताब जीत कर आया है। देखिए ये गोलू टू अपना मुर्रा बुल है, इसकी 10 करोड़ की कीमत कई एजेंसियों ने लगाई है, तो लेकिन हमने बेचना नहीं क्योंकि इसे कहीं 10 के 30-40 करोड़ हम इसे इनकम करेंगे, क्योंकि इसके सीमन की इस देश के अंदर इतनी डिमांड है, इसकी जो बच्चे जो इसकी पटेगी वो बहुत अच्छी आ रही है। क्या इसकी हाइट होगी, क्या खासियत है इसकी? इसकी हाइट 5 फुट 7 इंच इसकी ऊंचाई है, 14 फुट इसकी लंबाई है और 16 क्विंटल इसमें वेट है। पहले भी कई चैंपियनशिप में जितने इस साल के लड़े और पिछले साल के जितने मतलब प्रदर्शन मैंने पार्टिसिपेट यानी भाग लिया उसमें हर में फर्स्ट आया और चैंपियन बनाया। कितने साल का ये हो गया है? ये 5वें साल में लग रहा है, 5.5-6 साल का इसकी एज हो, इसकी 6 चैंपियनशिप आज तक हो चुकी। गोलू दो के मालिक नरेंद्र की माने तो गोलू दो दिन में 30 किलो हरा सूखा चारा और 10 किलो चने खाता है, जिसमें तकरीबन 30,000 रुपए महीने का खर्च होता है। वहीं गोलू दो 30 से 40 करोड़ रुपए अपने मालिक को साल में कमा के देता है। नरेंद्र ने कहा कि इसके सीमन की देश के अंदर इतनी डिमांड है, जो बच्चे इसके पड़ेंगे वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। और इसकी 5 फीट 7 इंच ऊंचाई है और 14 फीट इसकी लंबाई है और 16 क्विंटल इसका वेट है। इस भैंसे की सेवा में पूरा परिवार लगा रहता है, साथ ही 4-5 नौकर भी हैं। 14 घंटे के अंदर 3-4 जगह इसका स्थान बदला जाता है और इसके नहाने के लिए स्विमिंग पूल आदि की सब सुविधाएं हैं। इसका नॉर्मल है, ये तो एक ब्रीड है, नॉर्मल खाना है इसका। 30 किलो सूखा और हरा चारा खाता और 30 से 10 किलो ये फीड खा जाता है। कितने लोग इसकी सेवा में रहते हैं? इसकी सेवा में तो जी पूरा परिवार है, 4-5 नौकर और परिवार लगे रहता है। ये नहीं ये पशु है, इसकी कुछ सुरक्षा जैसे बात? देखो सुरक्षा है, इसका जो इसका थान है यानी जिसकी बैठने उठने की जगह है वो बिल्कुल कहीं रेत है कहीं मैट है, तो 3-4 जगह इसका मतलब 24 घंटे के अंदर जगह जगह इसका स्थान बदला जाता है और इसको नहाने के लिए स्विमिंग पूल वगैरह सभी इसकी सुविधा है। किसान मेले के पहले दिन 10 करोड़ का भैंसा गोलू टू आकर्षण का केंद्र बना रहा। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले पद्मश्री सम्मानित किसान नरेंद्र सिंह मेले में अपने भैंसे गोलू टू को लेकर पहुंचे। गोलू टू को देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।